हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। पहले मैंने हाशिर के लिए चिकन पुलाव चावल बनाए हैं। हाशिर को जो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो बेटा हाशिर है ना, उसको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह से। तो सबसे पहले पतीली में डाल देंगे हम ढेर सारा घी, जितना है सारा। अनम गूंद रही है आटा, और आज जो चिकन कढ़ाई बन रही है ये सजाद की फरमाइश है। ये देख लें कि सजाद ने बोला कि आज हम चिकन बनाते हैं। ये वाला जो टमाटर था ना, इसके ऊपर काले काले से धब्बे थे इसकी जो स्किन है, लेकिन मैंने वो स्किन यहाँ से रिमूव कर दी है। तो अब हम रखेंगे इसमें टमाटर। और आप डालेंगे इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। टमाटर जो है जैसे ही सॉफ्ट हुए और मैंने उनका छिलका जो है वो उतार दिया, तो आप ये देखिए रेड रेड कलर माशाल्लाह से कितना प्यारा नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इसमें रेड मिर्चें डाली हो, लेकिन अभी तक मसाले नहीं डाले। मसाले आप डालेंगे, और साथ में हम तंदूर जला रही है, साथ में हम तंदूर की रोटी खाएँगे, क्योंकि तंदूर की रोटी के बगैर तो भाई मज़ा ही नहीं आता। कुछ धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, तो अब इसमें डालेंगे हम दही। और अभी डाला है इसमें मैंने गरम मसाला। ये थोड़ा सा ना चिकन हमारा जो है ना वो गल ज़्यादा गया है, वो इसलिए कि जो आँखों में है ना धुआं बहुत ज़्यादा जा रहा था, और मेरी आँखों के आगे ना धुंधलापन सा आ रहा था, तो फिर मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा सही से। ऐसे जब उठ के खड़ी होती थी देखने के लिए तो सारा ऐसे ना चकरा रहा था। असल में मैंने ना सुबह का नाश्ता किया हुआ है, और फिर दोपहर को मैंने सिर्फ एक गिलास लस्सी का पिया था, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। कभी बोटी खाई है सालर में से निकाल के। तो अभी अनम लगा रही रोटियां, और मैं साथ में लगवाऊँगी अनम के जल्दी जल्दी से रोटियाँ। सालन हमारा तैयार हो गया। कितनी अनम ला लेंगे? अनम
तोल के ये रोटी। अरे मन निकल जाए कार छोड़ में, यह शरीर हो गई। जब भी हम बनाते हैं ना तो एक छोटा सा पेड़ा बच जाता है और वो होता है हाशिर की रोटी का। अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं बनाती हूँ ना रोटी तो छोटा सा पेड़ा बच जाता है। तो ये जी छोटी सी रोटी, ओहो सुबह थी। जो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है ना, जब मैंने चिकन को फ्राई किया है उस वक्त मैंने घी निकालना था, लेकिन मुझे ना घी निकालना याद नहीं रहा। तो फिर अब ये ना, जब मैंने अब देखा गौर किया तो घी ज़्यादा था, तो ये मैंने एक्स्ट्रा घी जो है ना ये मैंने सारा निकाल लिया। तो आप भी ऐसी गलती ना कर देना। ऐसा हो जाता है जब काम ज़्यादा हो ना, तो दिमाग जो होता है ना वो सही से काम नहीं कर रहा होता, हो जाता है ऐसा हर किसी के साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बता दूँ कि जो घी ज़्यादा था ना वो मैंने निकाल लिया है। तो अभी खाने लगे हैं हम खाना। पहले हम जी खाएंगे खाना। आपको मैं बता दूं, पहले भी मैंने बोटी चेक की थी तो मुझे जायका बहुत मज़े का लगा था, और इसकी खुशबू ऐसे आ रही जैसे ना फिश बनाई हो। आज है दूसरा दिन और आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने हाशिर की है छोटी सी एक शॉपिंग जो मैंने आपके से आपको दिखानी थी, लेकिन इतने दिन हो गए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचा आज आपको दिखा देती हूँ क्या होगा इसमें। जैज कलेक्शन। हाशिर मैं तो कहती हूँ आप खुद दिखा दो, मम्मा को नहीं दिखाने दे रहे आप। हाशिर देखिए अपने डिब्बे को कैसे पकड़, वो तो वाकई उसने खोल दिए। अच्छा इधर से इसके फेस का वो रिएक्शन दिखाओ ना हाशिर का। ये देखिए हाशिर का, ये लिया मैंने जूता जो बहुत ही प्यारा है। हाशिर का जूता जो था पहले वाला वो टूट गया था, फिर मैंने कहा कि हाशिर को वाकर में छोड़ना होता तो हाशिर का हम जूता ले लेते। अब वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, लेना तो मुझे गर्मियों वो सॉरी शूज़ चाहिए था, लेकिन मैंने फिर शूज़ नहीं लिया। मैंने कहा हाशिर को गर्मी लगेगी, जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह शूज़ भी ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल सैंडल लेते हैं क्योंकि अभी एक डेढ़ महीना, तो शायद एक डेढ़ महीना अगर मौसम जल्दी चेंज हो गया तो फिर एक महीना इस्तेमाल हो गए चप्पल, अगर मौसम लेट से चेंज हुआ तो फिर डेढ़ महीना तो लग ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मौसम जो है वो जल्दी चेंज हो जाएगा, वो इसलिए कि अभी से ही हम जो है ना ऐसा होता है कि हम कमरे में सोते हैं। तो हाशिर जूता देख के बहुत खुश हुआ और हाशिर हमारे साथ गया हुआ था शॉपिंग अपनी हाशिर ने खुद की। हाशिर ने जब जूता पहना तो फिर हाशिर जो है उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो जूता उतारे। गंदा काका ये क्या कर रहे हो, गंदे मुंह से राले निकालते रहते हो। तो ये इसके स्टेप है। हाशिर को पहना के आपको दिखाते हैं, बल्कि हम माशाल्लाह। ओए गंदा, सब्र करो। हाशिर को जूता पहना के दिखाते हैं कि हाशिर को जूता कैसा लगता है। चलो भाई हाशिर जूता पहनो। पहले मैंने हाशिर के लिए खुस्सा लिया था, वो हाशिर को बड़ा निकला, फिर उसके बाद वो पड़ा रहा, फिर एक दो बार इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल नया पड़ा है खुस्सा। और ये है जी हाशिर का। अब ये हमने हाशिर का लिया है तीसरा जूता, है ना ऐसा ही है। पहले हमने वो खुस्सा लिया, उसके बाद फिर दूसरी सैंडल ली, और फिर अब ये वाला जूता तीसरा है। और एक हाशिर का जूता जो है वो आया था हाशिर का गिफ्ट, और कुछ और भी गिफ्ट्स आए थे जो हाशिर के वो न्यू बोर्न के थे। चलो हाशिर अब खड़े होकर दिखाओ। चलो शाबाश हाशिर। गंदे काके क्यों तंग क्यों करते हो आप, बहुत शरारती हो गया हाशिर। हाशिर दिखाओ कैसा लग रहा है, ऐसे को जूता पारा लग रहा है। ये देखिए हर्ष बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से तंग करता है, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि अथरा बाल हो गए। ये हर्ष की रूटीन है। अब इसको उतार देते हैं हम, फिर से डिब्बे में डाल के ना पैक करके रख देते हैं, ठीक है। तो
ये थी हमारी कल की और आज की वीडियो। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब किया करें। हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर जो है ना वो जल्दी से कंप्लीट करवा दे। हमारा जो है ना ये पता नहीं कब से ख्वाब है कि पता नहीं दिन रात हम दोनों सजाद और मैं बैठ के बस यही बात करते कि हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर कब होंगे। तो जल्दी से करवा दे, जल्दी से फटाफट। ठीक है, अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, अल्लाह हाफिज़। ये क्या इधर से भी उतार दिया? जब बच्चे जब बड़े नए चीज़ लेते हैं तो वो इतने खुश होते हैं, तो इसी तरह से देखे ना बच्चे छोटे भी कितने खुश होते हैं। हाशिर देखे अपने जूते का क्या हाल कर रहे हैं।